हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम समझते हैं दो इम्पोर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आरओई और आरओसीई को। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमें बताते हैं कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। जितने बेटर प्रॉफिट्स होंगे उतना हमेशा अच्छा है, क्योंकि सिर्फ सेल्स बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट्स भी बढ़ना चाहिए, तभी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि आरओई और आरओसीई रेशोज क्या होते हैं। आरओई का लॉन्ग फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के फंड्स। जो भी इन्वेस्टर शेयर्स के जरिए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उससे जो पैसा आता है वो है इक्विटी। तो आरओई हमें बताता है रिटर्न ऑन दिस इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स के इक्विटी पे कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, ये आरओई बताता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ की इक्विटी है और उस पर कंपनी 10 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कमा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि आरओई है 10%। तो आरओई का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। नेट इनकम की वैल्यू हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगी। आरओई की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतनी कंपनी प्रॉफिटेबल है। आरओई की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स की इक्विटी को ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करके अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है। तो अब आरओई की अच्छी वैल्यू कितनी होती है? 10%, 15%, 20% या 30% या कुछ और? तो इन जनरल अगर आप इंडिया के टॉप कंपनीज के पास 10 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो उनकी आरओई है अराउंड 16%। तो 20% आरओई का टारगेट रखना ये सेंसिबल है जब हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं। आरओई एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है और ये ईपीएस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आरओई पास्ट ईयर की रिटेंड अर्निंग्स को कंसिडर करता है और हमें बताता है कि पास्ट अर्निंग्स को कैसे यूटिलाइज किया गया इस साल के प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए। इसीलिए आरओई वैल्यूज़ को एनालिसिस में कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आरओसीई की। आरओसीई का लॉन्ग फॉर्म है रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल। इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मीन्स प्रॉफिट्स बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। डिनोमिनेटर में एम्प्लॉयड कैपिटल है जो डेट और इक्विटी को जोड़ के हमें मिलता है। तो आरओसीई बताता है कि कंपनी जो टोटल कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है उस पर कितना रिटर्न कमा रही है। आरओई और आरओसीई में मेजर डिफरेंस ये है कि आरओई में हम डेट नहीं कंसिडर करते हैं, सिर्फ इक्विटी को कंसिडर करते हैं, जबकि आरओसीई में इक्विटी के साथ साथ डेट भी कंसिडर करते हैं। आरओसीई की वैल्यू भी जितनी हायर है उतनी कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब हमने कहा कि आरओई की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना अच्छा है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि आरओई की वैल्यू इन्फ्लेट की जा सकती है। इसे एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। 3 कंपनीज कंसिडर करते हैं जिनके नेट प्रॉफिट्स, एसेट्स, डेट और इक्विटी का डेटा इस टेबल में दिया गया है। पहले केस में 0% डेट है कंपनी पे। इस केस में नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ और इक्विटी है 100%, तो आरओई हो गया 20%। दूसरे केस में नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ और डेट है 20%, मीन्स 20 करोड़। तो डेट 20% है तो इक्विटी हो गई 100 - 20 = 80, क्योंकि डेट और इक्विटी को जोड़ के कैपिटल बनता है। तो अब आरओई हो गई नेट प्रॉफिट ऑफ 20 करोड़ डिवाइडेड बाय इक्विटी ऑफ 80 करोड़ = 25%। तीसरे केस में डेट है 50% और 50 करोड़, तो इक्विटी हो गई 100 - 50 = 50 और आरओई हो गई 20 / 50 = 40%। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले केस में जहाँ पे डेट 0 है वहाँ आरओई है 20%, दूसरे केस में जहाँ डेट 20% है वहाँ आरओई है 25%, और तीसरे केस में जहाँ डेट 50% है वहाँ आरओई है 40%। तो अगर हम सिर्फ आरओई की वैल्यूज़ को देखें तो तीसरे केस में आरओई सबसे अच्छी है, लेकिन क्या इसका मतलब तीसरी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सबसे बेहतर है और वो सबसे प्रॉफिटेबल है? जी नहीं। अगर हम सिर्फ आरओई की वैल्यूज़ कंसिडर करें तो हमें गलत पिक्चर दिखता है, क्योंकि इस केस में आरओई की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डेट बढ़ रहा है और इक्विटी कम हो रही है। लेकिन असल में जिस कंपनी का आरओई सबसे ज़्यादा है उस पर डेट भी सबसे ज़्यादा है, और हाई आरओई की वैल्यू हाई डेट की वजह से आई है। इसीलिए सिर्फ आरओई को आइसोलेशन में देखना एक गलत डिसीजन है। आरओई के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी पर डेट कितना है और क्या कंपनी इस कंडीशन में है कि वो डेट आसानी से चुका सके। इसलिए हमें आरओई की वैल्यूज़ देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोलली उस पर रिलाय करना ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आरओई और आरओसीई की कंसेप्ट समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज स्मार्ट इन्वेस्टर को लाइक कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।